तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सर आने वाले 12 मई को लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर आपकी पार्टी की ओर से, और क्या लगता है इस बार के रिजल्ट कैसे होंगे? CMN के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आपका जो प्रश्न है वो बड़ा वाजिब है। जो ये लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव को लेकर के पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। पूरा देश इस चुनाव को एक त्यौहार के रूप में लेकर के चल रहा है और सबका एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और वो है नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, उनका कृतित्व। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यों के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत को एक पहचान दी, भारत को एक नाम दिया, भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया, उससे लेकर के पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत की छवि में बहुत सुधार आया है। बहुत मान सम्मान के साथ भारत को अब याद किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, और इसका सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और यही एक मजबूत फैक्टर पूरे देश भर में है कि एक बार फिर मोदी सरकार का नारा सकारात्मक दिखाई देता है, दिखाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों ओर एक ही नाम है, मोदी और मोदी मोदी। ये जो मोदी लहर की आपने अभी बात की, मोदी लहर बरकरार थी, क्या लगता है इस बार भी बरकरार रहेगी? निश्चित रूप से कि मोदी जी ने जो काम किए हैं पूरे अपने कार्यकाल के दौरान, वो ऐसे काम किए जिससे भारत के स्वाभिमान को चार चांद लगे हैं। अभी तक राजनीति का अर्थ था कि केवल अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी पार्टी, अपने सगे संबंधियों की राजनीति, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का विचार, उन्हीं का उत्थान। लेकिन मोदी जी ने इस परिभाषा को बदला है और मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्र पहले, देश पहले, मैं और मेरा परिवार बाद में। और ये उन्होंने स्वयं अपने उदाहरण से, अपने चरित्र से करके दिखाया है, और इसी की ही आज पूरी दुनिया, पूरा देश इसी की ही मोदी जी के लिए कायल है, इसीलिए उनका प्रशंसक है। और मोदी जी की लहर पूरी रूप से बरकरार है, पूर्ण रूप से, बल्कि मैं ये कहूंगा बरकरार ही नहीं है, इसमें बहुत बढ़ावा हुआ है। विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है उनके विकास के कार्यों पर और उनकी विदेशों की यात्राओं पर। इस बार विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, विपक्ष ने गठबंधन भी यहां तक कर लिया है बीजेपी को हराने के लिए। क्या लगता है इस बार क्या पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतेगी या फिर गठबंधन कहीं जीत पा सकता है? देखिए, गठबंधन की यदि मैं बात करूं तो ये गठबंधन सत्ता प्राप्ति का गठबंधन है। जितने भी गठबंधन के दल हैं सब अपने आप को, उनके जो मुखिया हैं सब अपने आप को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मान करके रात को सोते हैं, और सबका एक ही सपना है कि हम कैसे भी सत्ता को हथिया लें, मोदी को सत्ता से दूर कर दें। लेकिन देश की जनता उनके इस छलावे में आने वाली नहीं है। जो अपने आप को पश्चिम बंगाल में समेट करके रखे हुए ममता बनर्जी, वो भी कहती है कि मैं भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हूँ। क्या जनता इस बात को समझती नहीं है कि 45 सीट जो अपनी लोकसभा की केवल पश्चिमी बंगाल की है, उनके बूते पे प्रधानमंत्री बना जा सकता है क्या? अखिलेश यादव की यदि हम बात करें, क्या केवल उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों से ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? मायावती की यदि हम बात करें तो मायावती का पिछला स्कोर क्या था और इस बार का स्कोर उससे भी कम रहने वाला है, क्या उस स्कोर से देश के प्रधानमंत्री बने जा सकता है क्या? तो ये सब एक छलावा है जनता के साथ, दिखावा है जनता के साथ, और जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। सबका मन है कि मोदी जी है तो सब कुछ है, मुमकिन है, और मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, ये हर वर्ग की आवाज है, चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, युवा वर्ग है, सबकी एक ही आवाज है कि मोदी जी को एक मौका और मिलना चाहिए देश के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए। मैं बात करूं, आपने जैसे यात्राओं का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने विदेशों की जो यात्राएं की है उससे क्या मिला भारत को, उससे मिलने का बात मैं ये बता देता हूं कि भारत का स्वाभिमान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है। जहां भारत को पहले एक हे की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था,
आज भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है और इसका जीता जागता प्रमाण और उदाहरण हम सबके सामने है कि भारत को, भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान को पूरे विश्व के अंदर अकेला छोड़ दिया है। आज उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है, सब के सब मजबूर हैं। ये केवल मोदी जी की कूटनीति है, मोदी जी की रणनीति है और उसी रणनीति के कारण से संभव हुआ कि हमारा जो जाबाज, हमारा वीर सैनिक अभिनंदन सकुशल वापस आया तो ये मोदी जी के कारण ही आया, मोदी जी थे तो ही संभव हो सका। अन्यथा पहले का सब हम सब जानते हैं कि भारत का यदि परिंदा भी कोई पाकिस्तान चला गया तो वो भी जिंदा वापस नहीं आया। ये मोदी जी की कूटनीति है और इस कूटनीति के कारण ही आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जय जयकार है, भारत की ही जय जयकार कराने वाले मोदी जी हैं। जो लोग कहा करते थे कि मोदी जी विश्व भ्रमण पे लगे हुए हैं, यात्राएं करते हैं, घूमते, इससे क्या मिलेगा, आज हम सब के सामने है कि आर्थिक स्तर भारत का कितना ऊंचा बढ़ा है, कितना ऊंचा उठा है, ये भी हम सबके सामने है। और बिजनेस और व्यापार भारत में कितना, किस स्तर तक आगे तक गया है, ये भी हम सबके सामने है। और यही ध्येय, यही लक्ष्य मोदी जी का विदेश यात्राओं को लेकर के था और आगे भी रहेगा। मोदी जी का अपना कुछ नहीं है, मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं करते, वो जीते सोते खाते उठते बैठते उनका एक ही सपना है, भारत माँ का स्वाभिमान बने, भारत माँ का स्वाभिमान बढ़े और इसके लिए ही वो काम करते हैं, इसके लिए जीते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार विपक्ष जो है मोदी जी पर काफ़ी हमलावर है, खासतौर पे कांग्रेस ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जैसे कि नोटबंदी हो गया, रफेल मुद्दा हो गया। क्या इन मुद्दों से, क्या जो ये मुद्दे उठे हैं कांग्रेस की ओर से, इन मुद्दों से क्या पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा, उनके फैन फॉलोइंग पे कुछ असर पड़ेगा? रफेल की यदि मैं बात करूँ, जो आपने विषय लिया, वो सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि रफेल में किस प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई। केवल ये देश की जनता को गुमराह करने का एक षड्यंत्र था कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। और आपको ये भी ध्यान होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया प्रधानमंत्री चोर है, उसको लेकर के भी राहुल गांधी ने पिछले दिनों माफ़ी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से और उसने कहा है कि मैंने ये बयान अपनी तरफ से दिया, सुप्रीम कोर्ट का बयान नहीं था। मतलब बचकन्ना देखिए आप, जो हमारे देश की सबसे पवित्र संस्थान है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी दागदार करने का काम राहुल गांधी ने किया है। और देश की जनता सब समझती है, राहुल दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है, उसका कोई अपना औचित्य नहीं है, अपना कोई उसका जनाधार नहीं है, अपना कोई उसका मानसिकता के हिसाब से उसकी कोई, मुझे लगता नहीं कि बौद्धिक क्षमता कोई ऐसी है। उसका आंकड़ों का भी फेरबदल दिन में कुछ होता है, रात को कुछ होता है, तो अब देश की जनता उस पर कतई विश्वास करने वाली नहीं है। देश की जनता को लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री तो क्या, ये देश का इस बार सांसद बनने लायक भी नहीं है। चलिए तो राहुल गांधी जी की बात हो गई। इस बार कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय रूप से उतर चुकी है, वो भी अपने गढ़ से तैयारी कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी की जो रैलियां चल रही हैं, जो चुनावी रैली में वो भाग ले रही हैं, क्या इससे जनता पर कुछ असर पड़ेगा, जनता का मूड बदलेगा? कनिका जी, प्रियंका वाड्रा जो है इस बार ही कोई राजनीति में आई, ऐसा नहीं है। हम सबको ध्यान में है, ये सब चुनावी नेता है, चुनाव के दौरान आते हैं। पिछले बार का चुनाव भी हम सबको पता है, 2014 में भी प्रियंका का पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सब जगह उनके दौरे हुए, प्रवास हुआ, लेकिन क्या हल निकला। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि इनकी केवल भूख सत्ता प्राप्ति तक है और चुनाव में ही ये लोग दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद ना ये जनता के ना जनता इनकी, ये सब जानते हैं। तो प्रियंका का जादू कोई ऐसा चलेगा या प्रियंका का जादू कोई करिश्मा कर देगा, ऐसा कहीं कोई कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, ना दिखाई देता है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो 23 मई कांग्रेस गई, ये सब लोगों ने मन बनाया हुआ है। और कांग्रेस ने 55 साल के अंदर इस देश को क्या दिया है, ये भी देश की जनता जानती है। आप एक बात देखिए, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हम इस देश से गरीबी हटाएंगे, लेकिन कोई पूछे उनसे आपकी चार चार पीढ़ियां
इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में रही हैं, उन्होंने क्या किया? आपके दादाजी ने भी ये नारा दिया, आपके दादी जी ने भी ये नारा दिया, आपके पिताजी ने ये नारा दिया, आपके द्वारा चयनित मुख्य प्रधानमंत्री उन्होंने भी ये नारा दिया, अब आप भी यही नारा दे रहे हैं। तो अब आपके बहकावे में, आपके छलावे में, आपके दिखावे में ये देश की जनता आने वाले नहीं है और देश केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है। इस देश का समग्र विकास यदि कोई कर सकते हैं तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं। जी जरूर, इस बार जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार जो है जो विकास का मुद्दा है वो जमीनी स्तर पर अगर उतरता हुआ दिखता है तो बाकी बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है, क्या जो ये गठबंधन है वो जीत हासिल करेगा या फिर सिर्फ एक ठगबंधन है लोगों को ठगने के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए? निश्चित रूप से आपका आकलन बिल्कुल सत्य है, सही है कि ये एक ठगबंधन है, छलावा है, अवसरवाद का गठबंधन है। कहीं आप मुझे देखिए ना, विचारों का गठबंधन थोड़ी है ये। जो अखिलेश यादव या जो सपा बसपा एक दूसरे को अपना कट्टर शत्रु मानते रहे, आज वो केवल एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य की ध्येय रख करके कि मोदी को दोबारा देश की सत्ता ना मिले, उन्होंने गठबंधन किया। ये गठबंधन कहीं विचारों का गठबंधन नहीं होता और जो विचारों के गठबंधन नहीं होते वो लंबे समय तक चलते भी नहीं है। ये सब देश की जनता, देश का मतदाता इस बात को जानता है। निश्चित रूप से ये एक अवसरवाद का गठबंधन है और इस गठबंधन में कहीं भी कोई जान, कहीं कोई वास्तविकता दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है। हरियाणा की यदि हम चुनाव की बात करें तो हरियाणा के चुनाव में हरियाणा के लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री जी की बदौलत प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं, नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली हैं। और इससे ईमानदार मुख्यमंत्री ने जो काम किया इस देश के, इस प्रदेश के लिए, उन पर प्रदेश की जनता की मोहर लगेगी और उनका विश्वास और उनका उत्साह बढ़ेगा। और मोदी जी, हरियाणा पूरी तरह से आपके साथ है। हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री ने जिस कौशलता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ हरियाणा को, समस्त हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो हरियाणा के अंदर कहीं भी कहीं विपक्ष नाम की चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती और पूरी तरह से 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय दिखाई देती है। इस बार करनाल लोकसभा से संजय भाटिया जी मैदान में उतरे हैं, तो चुनावी रैलियों में जाकर आपको क्या लगा कि जनता का मूड क्या संजय भाटिया की तरफ जो है ज़्यादा अग्रसर? देखिए, जनता के मूड की यदि हम बात करें तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को शहर की पार्टी, पैसे वालों की पार्टी, बड़ियों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, पंजाबियों की पार्टी कहा करते थे, आज हर वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। और गांव की यदि हम बात करें, गांव के अंतिम छोर तक, हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी के नाम की आज लहर है और भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अपना दुख सुख का साथी मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से लहर पूरे प्रदेश में है और कहीं भी कांग्रेस पार्टी या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनका इस प्रदेश के अंदर इन चुनावों में कहीं कोई कहानी बनने वाली नहीं है। पूरी तरह से एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की लहर है। पिछली बार जिस तरह से चुनाव का मुद्दा था विकास, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? और अब 12 मई को जो चुनाव होने वाले हैं, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं, क्या उन्हीं पर जीत हासिल कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा पहले से विकास रहा है। विकास के साथ साथ देश का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान, यह भी भारतीय जनता पार्टी की एक प्राथमिकता है। जो भारत माता की जय नहीं कर सकते, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, उनको देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मकसद एक ही है, इस देश का चहुंमुखी विकास, इस देश का समग्र विकास कैसे हो, सबको आगे लेकर के चले, सबका साथ सबका विकास की बात आगे लेकर के चलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल ध्येय है और इसी ध्येय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी हुई है।
पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा था विकास, और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है कि किस प्रकार से हम अपने देश को औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से इस देश का स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ सकता है। इसी ध्येय को रख करके, इसी लक्ष्य को रख करके अपनी भारत माँ फिर से पूरे विश्व में अपना परचम फहराए, उसका स्वाभिमान बढ़े, पुनः ये देश सोने की चिड़िया बने, इस प्रकार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर के चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और जात पात के नाम पर इस प्रकार की राजनीति करने का कभी भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति नहीं रही। मेरा प्रदेश के सभी जागरूक मतदाताओं से ये अनुरोध है, ये अपील है कि वो शत प्रतिशत मतदान करें। मतदान हमारी बहुत बड़ी ताकत है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाती है। हम ऐसे मतदान, ऐसे मौके को बिल्कुल ना चूकें और सब के सब देश हित में, राष्ट्र हित में, लोक हित में शत प्रतिशत मतदान करें। ऐसे मतदाता को, ऐसे उम्मीदवार को अपना मतदान दें जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ करने का सपना और जज्बा रखता हो। ऐसा यदि हम सब सोचेंगे तो भारत की ताकत बढ़ेगी, और भारत की ताकत बढ़ेगी तो हम सब की ताकत बढ़ेगी, हमारे प्रदेश की ताकत बढ़ेगी, हमारे जिले की ताकत बढ़ेगी, हमारे शहर की ताकत बढ़ेगी, हमारे परिवार की ताकत बढ़ेगी और हमारी स्वयं की भी ताकत तभी बढ़ेगी जब भारत की ताकत बढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो हमारे भी यही राय है, जब हम बीमार होते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, ना कि अपनी जाति के डॉक्टर की। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जाति से परे उठकर एक अच्छे उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाएंगे और वोट ज़रूर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।